नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अनिश एंड वेलकम टू माय आर्य विनायक ट्रैवलिंग व्लॉग चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ उज्जैन के साइट सीन के बारे में। सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में मैंने जो उज्जैन के बारे में बताया था उसमें मैंने बहुत सी बातें वो मैंने पता ही नहीं थी, वो बहुत सी बातें रह गई थी, तो मैं इस वीडियो में पहले थोड़ा सा वो कवर कर लेता हूँ। एक दो मिनट अभी मैं शुरू करता हूँ। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी मैं शुरू करता हूँ। पहले उज्जैन के महाकाल की जो स्टोरी है वो ऐसी है कि एक बार एक दूषण नाम का एक दैत्य था। ये उज्जैन नगरी में इसने बहुत से लोगों को परेशान किया था, हैरान किया था, बहुत से लोगों को मारा भी था। फिर उसके डर से सभी लोग, पूरा त्रिलोक जो है वो कांपने लगा। और बाद में क्या हुआ, सभी लोगों ने और देवताओं ने, ऋषियों ने, सभी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आप जल्दी से जल्दी इस दैत्य का विनाश करें। तो उसी प्रकार भगवान शंकर ने जो जब पृथ्वी पर आए तब इस दूषण नाम के दैत्य को इसका संहार किया। और जब इस दैत्य का जब भी अग्नि संस्कार हुआ, इसका नाम दूषण था इस दैत्य का नाम, तो एक्चुअल में ऐसा कहा जाता है कि जो भस्म आरती की जो प्रथा शुरू हुई थी ये उस वक्त से शुरू हुई थी जब भगवान शंकर ने उस दैत्य दूषण का वध किया था। क्योंकि उसका जब अग्नि संस्कार हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि उसका अग्नि संस्कार करके जो राख जो निकली वो भगवान शंकर के यहाँ जो पिंड था, यानी कि जो ज्योतिर्लिंग था, उसके ऊपर वो उसका ये अभिषेक हुआ, कुछ ऐसा कहा जाता है। अभी मैं बात करने वाला हूँ उज्जैन के इतिहास के बारे में। तो ये रही पहले उज्जैन की स्टोरी महाकाल की। अभी मैं बात करने वाला हूँ उज्जैन में बहुत से ऐसे इतिहास में ऐसे बहुत से ऐसे विद्वान हुए हैं जिनके बारे में हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जिनका नाम हमने बचपन से सुना, जैसे कि आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो की शुरुआत की थी, फिर वराहमिहिर जो बहुत बड़े ज्योतिष थे, एक प्रकांड पंडित के नाम से उन्हें जाना जाता है, दूसरा सम्राट अशोक यहाँ के राज दरबार में वो पहले यहाँ पे थे, फिर बाद में वो यहाँ से फिर वो राजा बने, दूसरा जो विक्रम वेताल की कहानी हम जो बचपन से सुनते आए हैं ये भी यहाँ पे ही हुई थी, और दूसरा कि अभी मैं बात करने वाला हूँ उज्जैन के साइट सीन की। जब भी पहले उज्जैन के बारे में जब भी हम साइट सीन के बारे में पहले देखते तो उसमें बहुत सी ऐसी जगह है जो महाकाल के साथ साथ उस जगह का भी वो महत्व भी है वहाँ पे। जैसे कि अभी सबसे पहले बात करता हूँ मैं उज्जैन, अगर ऑर्डर वाइज में बात करूँ तो सबसे पहले आता है बड़ा गणेश मंदिर। ये बड़ा गणेश मंदिर जो है, नारायण व्यास जी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस गणपति की स्थापना की थी। ये गणपति का मंदिर बहुत ही बड़ा है, आप फोटो में देख सकते हैं, बहुत बड़ी वो गणेश जी की मूर्ति है, ये मंदिर के नज़दीकी है। फिर दूसरा हरसिद्ध माता मंदिर। अभी हरसिद्ध माता जो मंदिर है, एक्चुअल में ये हरसिद्ध माता का जो मंदिर है ये एक्चुअली शक्तिपीठ है, भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है ये। अभी हरसिद्ध देवी का जो ये मंदिर जो है, हरसिद्ध माता को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। अभी जैसे ये हरसिद्ध माता का ये जो मंदिर है उज्जैन में, वैसे ही दूसरा मंदिर गुजरात में द्वारका के नज़दीक, यानी कि एग्जैक्टली कहा जाए तो वो पोरबंदर के एरिया में ही है वो, तो वहाँ पे वो पर्वत पे है हरसिद्ध माता का मंदिर। तो ये ऐसे दो मंदिर हरसिद्ध माता के हैं मंदिर। एक्चुअल में ऐसा कहा जाता है कि जब राजा विक्रमादित्य जो थे ये हरसिद्ध माता के ये भक्त थे, और वे जब भी हरसिद्ध देवी का मंदिर जो पोरबंदर में मैंने जो कहा वहाँ पे द्वारका के नज़दीक जो है उस जगह पे वे एक बार गए थे। उन्होंने कुछ तकरीबन 11 बार अपना सिर वहाँ पे काट दिया था, लेकिन क्या होता था कि जब भी वो सिर अपना काट देते थे देवी के सामने तो देवी वो सिर को जोड़ देती थी शरीर से, तो तभी ऐसा उन्होंने बहुत बार किया। बाद में क्या हुआ कि हरसिद्ध माता ये प्रसन्न हुई उनसे और उन्होंने वर मांगने को कहा राजा विक्रमादित्य से। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप मेरे साथ उज्जैन चलिए। तो इस तरीके से ये हरसिद्ध माता जो है ये यहाँ पे उज्जैन में आई। दूसरा कि हरसिद्ध माता की जो ये मूर्ति है
ये मूर्ति और वो जो मैंने कहा पोरबंदर के जो मंदिर है वहाँ पे, ये दोनों मूर्तियाँ सेम ही है। मैंने एक्चुअली ये पोरबंदर का मंदिर देखा नहीं है, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है कि ये और वो मूर्ति सेम है। दूसरा, यहाँ पे उज्जैन में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि तांत्रिक साधना का ये मेन केंद्र है, क्योंकि यहाँ पे जो साधना होती है वो किसी और जगह पे ऐसी साधना नहीं होती, वो यहीं पे होती है उज्जैन में। जैसा अभी मैं बात करने वाला हूँ उज्जैन के काल भैरव मंदिर के बारे में। उज्जैन में जब भी बात आती है तो सबसे पहले बात आती है महाकाल मंदिर के बारे में, फिर दूसरी जो मंदिर की बात आती है वो है काल भैरव मंदिर के बारे में। काल भैरव का जो ये मंदिर है, ये जग प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। और दूसरा कि यहाँ पे एक चीज़ का विशेष महत्व है जो शायद ही आपको कहीं पर देखने को मिले, तो ये है कि यहाँ पे काल भैरव बाबा को मदिरा यानी कि दारू उन्हें समर्पित करते हैं, यानी कि जो बॉटल रहती है दारू की उसमें वो उन्हें देते हैं। यहाँ पे पता नहीं ये कब से ये चालू है, लेकिन ये परंपरा जो है बहुत सदियों से चालू है शायद। और दूसरा कि यहाँ का जो वैशिष्ट ये है कि सबसे पहले ये जो मूर्ति है, आप वो फोटो देख सकते हैं, एक छोटा सा बाउल रहता है पीतल का, उसमें वो लोग जो भी आते हैं वो छोटी सी बोतल लेकर आते हैं मदिरा की, और वो जो पंडित जी है वो थोड़ा सा वो बोतल का ये ढक्कन निकाल कर वो थोड़ा सा जो दारू है वो काल भैरव बाबा को वो पिलाते हैं। और आश्चर्य की बात ये है कि ये जो मूर्ति है काल भैरव बाबा की, ये पूरा जितना भी वो छोटा बाउल होगा उसमें से वो पूरा पी लेती है। अभी बहुत से ऐसे रिसर्चर और साइंटिस्ट ने इस मंदिर के बारे में और ख़ास करके काल भैरव बाबा की मूर्ति के बारे में ये बहुत संशोधन किया कि ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है कि मूर्ति दारू पी सकती है। तो बाद में उन्होंने बहुत ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। वैसे कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें इस दुनिया में ऐसी है जो हमारी समझ के बाहर है। और दूसरा कि ये एक चमत्कार ही है ये, और काल भैरव बाबा जो है वो बहुत, अगर आप उन्हें प्रसन्न कर ले तो वो बहुत कुछ आपको खुश कर देंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, ऐसी यहाँ की श्रद्धा है। दूसरा, ये काल भैरव बाबा के मंदिर में अंदर के परिसर में ही वहाँ पे वो एक मुखी दत्त का मंदिर भी है। और दूसरा, अभी मैं बात करने वाला हूँ कालिका देवी के मंदिर बारे में। अभी कालिका देवी का ये फोटो देख लीजिए, कालिका देवी ये देवी वही है जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने जो बताया था कि कवि कालिदास जो थे उन्होंने, पहली बात वो कालिदास कैसे व्यक्ति बनाई है, एक सादा सीधा व्यक्ति ये कालिदास नाम से विख्यात जो हुआ वो कालिका देवी की वजह से ही वो हुआ। और जब भी ये कालिदास जो थे ये मंदिर में, ऐसा कहते कि ये रोज आते थे दर्शन करने के लिए। दूसरा कि कालिदास जो थे वो इन्हीं की वजह से, इनको नाम जो पड़ा कालिदास ही पड़ा देवी की वजह से, ऐसा कहते कि इनके मन में वो बसती थी, क्योंकि जब भी वो कविता लिखते थे तो देवी का नाम लेकर ही वो लिखते थे, फिर अपनी कविता चालू कर देते थे। और दूसरा, अभी मैं बात करने वाला हूँ सांदीपनि ऋषि आश्रम के बारे में। सांदीपनि जी का जो आश्रम था ये उज्जैन में ही था, महाकाल मंदिर के नज़दीक में। और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ये यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे, और यहाँ पे ही उनकी मुलाकात सुदामा से हुई, वे अच्छे मित्र बने यहाँ पे, और तीनों ने साथ में ही सांदीपनि ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। और दूसरा कि यहाँ पे सांदीपनि ऋषि के आश्रम में वो जो परिसर है वो बहुत ही सुंदर परिसर है। और दूसरा कि यहाँ पे एक मंदिर है शंकर भगवान का, इस शंकर भगवान के मंदिर में जो नंदी है वो यहाँ पे खड़ा है भगवान शंकर के सामने। अभी इस नंदी का वैशिष्ट्य ऐसा है, भारत में जितने भी शिव मंदिर है वहाँ पे जनरली
नंदी जो रहे वो बैठा हुआ ही दिखता है हमें, लेकिन यहाँ पे वो नंदी जो है वो यहाँ पे खड़ा है। अभी वो क्यों खड़ा है ऐसा कुछ कहते हैं कि उज्जैन को हरिहर की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि हरि यानी विष्णु और हर यानी कि भगवान शंकर का जो एक नाम है, ये दोनों का मिलन यहाँ पे हुआ, तो इसी की वजह से वो नंदी जो है वो खड़ा है। दूसरा, ये मंदिर में आपको यही वैशिष्ट्य पहले मिलेगा, वो शिव जी का मंदिर जो है वहाँ पे ही है, फिर अंदर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो संदीपनी ऋषि का भी आश्रम आता है। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ चिंतामण गणेश की। चिंतामण गणेश का मंदिर जो है ये सबसे प्राचीन मंदिर है, और दूसरा कि चिंतामण गणेश जो है यहाँ पे रिद्धि सिद्धि के साथ है गणपति मंदिर, फिर तीसरा कि गणेश मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया था वो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किया था, और दूसरा कि यहाँ पे चिंतामण गणेश मूर्ति के साथ साथ इच्छापूर्ण और चिंताहरण नाम के गणेश भी है, और दूसरा कि उज्जैन से तकरीबन ये 7 किलोमीटर के अंतर में है। अभी मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले मंगलनाथ मंदिर के बारे में। मंगलनाथ मंदिर जो है, जो 9 ग्रह में मंगल ग्रह जो है, इसकी उत्पत्ति का स्थान उज्जैन में ही है। अगर हम डायरेक्टली अगर बात करें ऐसे देखा जाए तो उज्जैन में एक तो सबसे पहले महाकाल का मंदिर पहले आता है, फिर काल भैरव बाबा का मंदिर आता है, फिर हरसिद्ध देवी का मंदिर है, फिर चौथा जो है वो मंगलनाथ का मंदिर है। मंगल ग्रह का जो जन्म स्थान है ये उज्जैन में ही है, और अभी मैं बात करने वाला ये जो मंगल ग्रह का जो मंदिर है ये भारत में सिर्फ उज्जैन में ही है, ये दूसरी जगह पे नहीं है। ये मंदिर जो मंगल ग्रह मंदिर है बहुत बड़ा मंदिर है, ये तकरीबन मुझे लगता है 1, 2, 3 शायद दूसरी की तीसरी मंजिल पर ये मंदिर है, क्योंकि इसकी पहली जो 2 मंजिल है वहाँ पे कैसा है कि मंगल, अगर किसी के कुंडली में मंगल जो है मंगल दोष या फिर मंगल कड़क है तो मंगल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पूजा करते हैं, तो ये यहीं पर ही होती है पूजा, और ऊपर मंदिर है, और जो मंगलनाथ की जो मूर्ति है वो शिवजी के रूप में ही है, यानी कि शिवजी का लिंग जो है उसी के रूप में है। वैसे देखा जाए तो महाकाल नगरी में जितने भी मंदिर है सभी में भगवान शिव कोई ना कोई रूप में समाये हुए हैं। और मंगल ग्रह के बारे में मैंने ऐसा सुना है कि भगवान शंकर की भगवान शंकर की जो जटा थी वो यहाँ पे गिरी थी पृथ्वी पर, तो उस जटा से ही मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा मैंने बहुत पहले कहानी में सुना ही है, इसीलिए वो यहाँ पे शिवजी के रूप में ही है वो एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि वो पूरा का पूरा लिंग में ही वो वहाँ पे उनकी पूजा होती है। बहुत अभी मैं जब भी गया था तभी उस टाइम पे भीड़ भी थी, वैसे ऊपर से मालूम नहीं पड़ा, लेकिन जब मैं मंदिर के ऊपर जब गया मंदिर में दर्शन करने के लिए तभी मालूम पड़ा कि बहुत भीड़ थी। और दूसरा, यहाँ पे पहले तो लोग सभी वो मंगल का ये जिनका दोष रहता है वो सब यहाँ पे वो निकालने के लिए यहाँ पे पूजा करते। और अभी दूसरा मैं बात करने वाला हूँ सिद्धवट के बारे में। सिद्धवट का ये जो वृक्ष है, अभी सिद्धवट का जो वृक्ष है इसके बारे में एक इतिहास है यहाँ पे, तो ऐसा इतिहास है इसमें कि भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें देवों का सेनापति भी कहा जाता है, उनका एक बार युद्ध ताड़कासुर से हुआ था। ताड़कासुर का जब उन्होंने वध किया तभी उन्होंने अपने शस्त्र जो थे वो इसी वटवृक्ष के यहाँ जो शिप्रा नदी जो बहती है उज्जैन में वहाँ पे उन्होंने वो फेंक दिए थे, वो सभी शस्त्र पाताल लोक में गए यहाँ से, और तभी वे थक कर यहाँ पे बैठे, और तभी माता पार्वती ने उन्होंने उनको भोजन करवाया था। और बाद में क्या हुआ कि भगवान शिव ने इस वटवृक्ष को आशीर्वाद दिया कि तुम संसार में कल्पवृक्ष के रूप में जाने जाओगे।
अभी इस वट वृक्ष के बारे में मैंने सुना है कि यहाँ पे श्राद्ध विधि जो है वो यहाँ पे होती है। कुछ लोग यहाँ पे अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी आते हैं। ये सिद्धवट का ऐसा भी महिमा है। एक तो यहाँ पे श्राद्ध कर्म करते हैं यहाँ पे पितरों का, फिर दूसरा कि यहाँ पे अगर पुत्र प्राप्ति की पहली मनोकामना यहाँ पे करते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर कीजिए भाई, क्योंकि मेरे कोई भी वीडियोज़ में मेरे इसमें किसी ने भी ज़्यादा कॉमेंट किए नहीं है। तो प्लीज़ मेरी एक ही दरख्वास्त है कि आप मेरे इसमें प्लीज़ कॉमेंट कीजिए और धन्यवाद।